अच्छा तीसरे वाले पर हम आ गए। अभी कह रहा है कि एड सेट या सॉरी एड नेम, इस वाले सेक्शन का नाम कैंपेन है, सही है। इस वाले सेक्शन का नाम क्या है, एड सेट है, और इस वाले का ओनली एड, सही है। तो ये हमारे हमें याद होना चाहिए। तो अभी क्या होगा, मैं कहूँगा कैंपेन में मैंने ये सेलेक्ट किया है, एड सेट में ये सेलेक्ट किया है, एड में ये सेलेक्ट किया है, सही। अभी एड का आ रहा है तो एड में भी जस्ट वही नेम डालना है जो आप पहले से लगाती हो ना, कि फॉर एग्जांपल ये वाला कैंपेन वो वाला है, वो तो सही है। इसमें तो मुझे पता था ट्रैफिक कैंपेन है, वेबसाइट है, 20,000 है, वो है। फिर मैंने कहा कि मैंने वेबसाइट को टारगेट करना है, पिछले को टारगेट करना है, और आईफोन वाले को टारगेट करना है। लेकिन इसमें जो चीज़ आप लगाते हो वही नाम लिखो। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन सा पेज आपने सेलेक्ट किया है, इसमें हम पेज सेलेक्ट करते हैं तो पेज का भी आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो पेज है अपना वाला मैंने डाल दिया है तो उसी को डालूंगा। मेरे पास ये नेम आ गया, मैं कह रहा हूँ कि उस वाले को टारगेट करो। फिर मैं कह अपनी आईडी नेम डाल रहा नहीं, है ये आईडी। वैसे रैंडम मैंने डाला है, एक्चुअली नेम तो ये है पेज का है, पन्नी वाला है, लेकिन मैंने वैसे रैंडम नहीं डाला है। आप अपना पेज का नाम जो भी डाल सकते हो। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये तो नेम है, मैं नहीं, मैं पहले से आपको बताता जा रहा हूँ ना कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी नेम है, यहाँ पर भी नेम है, यहाँ पर भी नेम है, आपकी मर्जी जो भी जानना चाहो, जो भी डालना चाहो, 1 2 3 डालो, अपना नेम डालो, जो भी डालो, कोई मसला नहीं। ये सिर्फ आपको दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा। लेकिन इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो इस वाले में मैंने ये किया है, इस वाले में मैंने ये किया है, इस वाले में मैंने ये किया है, सही। बस ये सिर्फ ये हमारा ही एक आइडिया है। तो हम यहाँ पर पेज सेलेक्ट करते, इसलिए मैंने एक पेज डाला। फिर हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर पोस्ट डालते हैं, जो पोस्ट हमने किया हुआ है किसी पोस्ट के ऊपर, अगर आप एडवर्टाइजमेंट लगाते हो या किसी वीडियो के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट लगाते हो तो उसी पोस्ट को करेंगे। लेट सपोज मैं करता हूँ कि मेरा जो पोस्ट है आईफोन से रिलेटेड पोस्ट है, मैंने कहा कि आईफोन पोस्ट वट एवर, आपकी मर्जी जो भी आप लगाना चाहो। से अगेन यहाँ पर और कुछ करते हैं, यहाँ पर हम प्राइमरी टेक्स्ट लगाते हैं तो प्राइमरी टेक्स्ट भी कर सकते हो। नहीं तो आप बस इसको छोड़ो, नाम डालो जो भी हो, आपकी मर्जी है जो भी डालना है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये नाम लिख दिया। सही, अभी मेन चीज जो आ रहा है आइडेंटिटी का। अभी इसमें क्या होगा, आपका पेज सेलेक्ट होगा। तो कितने पेजेस है मेरे पास, लेट सपोज 7 पेजेस है, तो अगर इस पर मैं क्लिक करूँ सारे पेजेस मेरे सामने आ जाएगी। मैं इसको सेलेक्ट करना है जिस वाले को आपने टारगेट करना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ये तो हमारे पास हो गया। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, ये इसमें तो कुछ मसला नहीं है ना, मतलब पेज सेलेक्ट करना है। और ये देखो इंस्टाग्राम, तो हमने तो इंस्टाग्राम को वहाँ पर ख़त्म किया था तो यहाँ पर भी ऐड नहीं करेंगे। अच्छा ये ऐड सेटअप आ रहा है, तो ऐड सेटअप में क्या होगा, कह रहा हूँ इसको हम अभी से अभी के लिए निकाल देते क्योंकि वो हमारा काम का नहीं था, कैटलाग के लिए था, वहाँ पर हम नहीं लगाते। लेकिन अच्छा सी मेन जो चीज़ है ऐड सेटअप का, ये क्रिएटिव सोर्स वाला है, कह रहा है कि मेन वाला अपलोड करना है आपने, तो सही है। हम मेन वाले अपलोड करना चाहते हैं, मतलब अपना एक पोस्ट लगाना चाहते हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट किया है, वो ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें कुछ मसला नहीं। फॉर्मेट का कह रहा है कि कौन से फॉर्मेट वाले पिक्चर वीडियो आप लगाना चाहते हो, तो मैं क्या करूँगा, सिंगल इमेज और वीडियो। अगर आपके पास एक वीडियो है या एक इमेज है यहाँ पर लगाओ, से नहीं तो अगर आपके पास मल्टीपल इमेज है तो क्राउजल का क्लिक करो, दोनों में फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ क्राउजल, आपको आइडिया लग जाएगा। देखो क्राउजल इस तरह होता है, ये 3 4 पिक्चर है लेकिन हमने स्प्लिट किया हुआ है, देखो ये एक पिक्चर है, दूसरा है, तीसरा है, देखो ना। तो इस तरह अगर कोई इस तरह स्क्रॉल कर रहा है तो स्क्रॉल कर सकता है। फेसबुक में भी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, मैं फेसबुक पर आता हूँ। ये हमारे पास एक ऐड है, ये तो सिर्फ एक इमेज है। अगर इस तरह का एक इमेज डालना है तो क्या करोगे, यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, इस तरह का एक इमेज आएगा। लेकिन मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कुछ इस तरह मिल जाए, पता नहीं मिल जाएगा कि नहीं, वो तो डिफरेंट होते हैं ना हमारे पास। अभी पता नहीं इसका, ये वीडियो का रहा है, देखो ये सिंगल वीडियो है, ये एड है ना, तो सिंगल एक वीडियो है। लेकिन कभी कभी इस तरह आता है कि क्या होगा, इस तरह स्क्रॉल करेंगे हम, सही स्क्रॉल करेंगे, जो आप जो मैंने आपको दिखा दिया ना, ये वाला नहीं तो ये वाला, देखो ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, हाँ इस तरह अगर आप स्क्रॉल, बिल्कुल इसी तरह बस यही कह रहा हूँ। अगर इस तरह का पिक्चर आपने डालना है तो ज्यादा पिक्चर डालोगे तो फिर क्या होगा, इस तरह लोग स्वाइप करेंगे, सही। ये हमारे पास इसका ऑप्शन है, तो हम ज्यादातर सिंगल इमेज या वीडियो बनाते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मल्टी एडवर्टाइजर एड हमने ऑन किया ताकि बहुत से लोगों को मुख्तलिफ तरह की एडवर्टाइजमेंट दिख सके, मतलब हर एक को चेंज चेंज दिखेगा।
हमारे हमारे लिए एक अच्छा वो है, ऑप्शन है, तो इसको हम ऑन कर सकते हैं। अभी जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया कि सिंगल इमेज और वीडियो को टारगेट करो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मीडिया सेलेक्ट करेंगे। मीडिया का मतलब ये है कि आपने जो पोस्ट डालना है यहाँ पर डालो, सही, जो पोस्ट डालना है, तो सेलेक्ट इमेज पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करूंगा, सही, अपलोड जो ऑप्शन है, नहीं तो अगर आपके पास कुछ आता है तो सही, लेकिन मैंने अपलोड पर क्लिक किया ना। अगेन जो एक पिक्चर है, लेट सपोज ये वाला पिक्चर मैंने क्या किया, इसको मैंने एंटर किया, अगर ये मेरे पास आ गया, देखो ये मेरे पास अभी आ रहा है, तो अगर ये आ गया तो सही, देखो ये वाला मैंने डाल दिया ना। आपके पास जो गैलरी में पड़ा होगा वही डाल दो, कंटिन्यू पर क्लिक करो, ठीक, ये देखो हमारे पास ये पिक्चर आ गया। तो अभी एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर लगेगा। अब आपने तो सही पिक्चर लाना, ये तो सही पिक्चर नहीं है, मैंने ये देखो इसका रिजोल्यूशन भी अच्छा नहीं है, मैंने आपको बता भी दिया था कि यहाँ पर हमने सर्च करना है कि कौन सा वाला रिजोल्यूशन वाला पिक्चर हमने डालना है, मैंने इसको बता दिया 1080x1080, और ये कितना आ रहा था, ये 1792x1024, ये सही नहीं है, तो उसी तरह हमने कर दिया, ये तो मैं सिर्फ एक डेमो कर रहा हूँ, तो ये आपका आ जाएगा। अभी क्या करूँगा, इस एड प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा, तो आपका एड किस तरह दिखेगा ये बता रहा है, ये देखो मोबाइल में किस तरह दिखेगा, 5 जगहों पर इस तरह दिख जाएगा, फिर सपोज ये वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये कह रहा है कि ये सही सही नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये पिक्चर सही नहीं है, हमने तो थोड़ा सा वो बनाया, इसलिए प्लेस में नहीं आ रहा, इसलिए बता रहा था कि इस तरह का जो पोर्ट्रेट वाला पिक्चर है या वीडियो भी उस तरह लगाना है, जो लैंडस्केप वाले ज़्यादा होते हैं वही सही नहीं होता, 1080x1080 हो तो बस हो जाएगा। तो क्या होगा, ये हमारे पास पिक्चर आ गई, इसके ऊपर हेड लगेगा।